बुंदेलखंड के चित्रकूट में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजापुर और मऊ क्षेत्र के सैकड़ों गांव बाढ़ के चलते जलमग्न हो गए हैं। स्टेट हाईवे 92 पर नाव चलने की नौबत है। तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर से महर्षि वामदेव की नगरी बांदा तक का मुख्य मार्ग बाधित हुआ है। लोगों को नाव के जरिए आर पार कराया जा रहा है। दूसरी तरफ मऊ तहसील के एक दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में है। मवई कला गाँव का संपर्क टूट गया है। कई परिवारों ने स्कूल में शरण ली है। प्रशासन पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, यमुना का पानी बढ़ने से मऊ के 15 गांव प्रभावित हुआ है। इसी में से एक गांव मऊ कला है। ये बड़ा गांव है और काफ़ी आबादी यहाँ प्रभावित है। अभी हम लोग इसी की समीक्षा करने आए थे तो हम लोगों ने देखा जिन परिवारों के घर में पानी घुस गया है उनको हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। चिकित्सा विभाग की भी टीम लगी हुई है। आने जाने के संचालन के लिए प्रशासन द्वारा नाव लगा दी गई और हम लोग आगे यदि पानी बढ़ता है तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यदि और घर करते हैं तो इनको मऊ में शिफ्ट करने की हम तैयारी करेंगे। सर, लगातार जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है तो शासनादेश कुछ है कि अभी और जल स्तर बढ़ेगा कि स्थिर होगा? नहीं, देखिए, जो अभी सिंचाई विभाग और राहत विभाग से सूचना मिल रही है क्योंकि वहाँ लगातार राजस्थान एमपी में बारिश हो रही है और चंबल और बेतवा नदी में काफ़ी अपने खतरे के मार्ग से ऊपर बह रही है तो अभी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। लेकिन लगातार इस पर प्रशासन नज़र बढ़ाए हुआ है। जैसी स्थिति होगी हम वैसा उसके आगे तैयारी करेंगे। मैं कई गाँव का दौरा किया। सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अस्पताल के लोग, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। SDM साहब और तहसीलदार साहब दोनों घूम रहे हैं। नावें लगी हुई हैं। लोगों का परिवहन रुका नहीं है। परिवहन से नाव से लोग SDM और तहसीलदार दोनों मिलकर के लोगों का इंतजाम कर रहे हैं। इधर तहसील स्तर से पूरी कार्रवाई जो है वो सही चल रही है। जिस प्रकार से बाढ़ क्षेत्र में कई घर भी प्रभावित हो रहे हैं, लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, उससे क्या कहेंगे आप? कैसे अब गांव को, घरों को मैंने देखा है। SDM साहब से मैंने कहा है कि जो लोग जिनका घर गिरने के कगार पर है या जिनका बूढ़ा रहा है उनको स्कूल में उसका प्रबंध करा दें। SDM साहब मऊ लगे हुए हैं प्रबंध कराने में। और क्या संदेश देंगे उन बाढ़ क्षेत्रों के लिए? बाढ़ क्षेत्रों में जब नदी का पानी घट जाएगा तो सब दबड़ा होगा, जिसका जो नुकसान होगा उसको दिया जाएगा। सर, कई वर्षों से लगातार यहाँ बाढ़ जब भी आती है तो ये समस्या बनती है, तो इसमें पुल के लिए क्या कहेंगे? पुल की व्यवस्था, पुल के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। वो पुल जहाँ से गाड़ी खड़ी है और इसको पूरा ऊँचा करा देंगे आगे तक, इसी ये रोड न बंद होने पाए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मऊ तहसील के कई सारे गाँव में पानी घुसा है। कच्चे मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों को घर गिरने का भय भी सता रहा है।